सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबको, कैसे हो आप सब। सो आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, और इतने ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो यार आप लोगों की दुआओं से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला टाइम है, तो यार आप लोगों का दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। तो बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, और देखिए प्यार दीजिए, कॉमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो लो जो लोग मतलब जो जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब कहानी सुनाने वाली हूँ अपनी प्यारी वैशाली और अपनी प्यारी अक्षता की, जो कि सबकी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट ही है, बिकॉज इन लोगों के साथ ना अपना अलग ही रिश्ता जुड़ा पड़ा है। तो आप लोगों को कहानी तो पिछले एपिसोड की याद ही होगी, तो आप लोगों को पिछले एपिसोड की कहानी याद होगी कि लैविश मतलब कि लैविश जो उसको मतलब वैशाली को किडनैप किया था, वो मतलब कि वैशाली के दादा का दोस्त क्या मतलब पोता निकलता है, तो वो आता है जब, तो वही मतलब अब दोनों बैठे हुए होते हैं, तो वहीं का सीन में आप लोगों को याद होगा, जिसे नहीं याद होगा वो इसे पहले वाला एपिसोड देख ले तो उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू से देखोगे तो ही कहानी समझ में आएगी, ऐसे बीच बीच से देखोगे तो उस कहानी समझ में नहीं आएगी। तो मतलब कि लेविश और वो दोनों मतलब बैठे होते हैं, तो वह कहती है सुकून वाली बात चल रही होती है उन दोनों की। अब सुकून वाली बात बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग पीछे से देख लो, फिजूल का टाइम वेस्ट होगा। जिन्होंने देखा है अगर मैं पीछे का बताऊँगी तो जिन्होंने देखा है वो बोर होने लगेंगे। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कहानी। तो मतलब कि जब वैशाली गुस्सा होकर कहती है कि भाड़ में जाओ तो तुम, तो फिर लेविश कहता है अच्छा ठीक है मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ, लेकिन अब तुम बताओ इससे आगे क्या करना पड़ेगा। तो वैशाली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस बकवास करने का। और ऐसा क्या है कि मतलब वैशाली पुल की तरफ चली जाती है, चलने लगती है, तो लेविश देखते हैं कि वैशाली गुस्सा होकर चली गई है, मतलब गुस्सा होकर नहीं जाती है। ऑब्वियसली उसका कोई हक नहीं बनता कि लेविश से गुस्सा होना, वो वैशाली इंटरेस्टेड होती है, मतलब कि वो बस चली जाती है क्योंकि उसे लेविश से बातें नहीं करनी होती है। तो वो पुल की साइड चलने लगती है, तो लेविश भी उसके पास आ जाता है और चलने लगता है उसके साथ साथ। तो वैशाली उसको कुछ नहीं बोल रही होती है, तो लेविश कहता है कि वैशाली एक बात पूछो तुमसे, तो वैशाली कहती है कि हाँ पूछो। तो लेविश कहता है कि तुमने अक्षिता से शादी क्यों की, तो वैशाली उसको देखती है, कहती है क्या मतलब शादी क्यों की, इसका क्या मतलब है। तो लेविश कहता है कि मतलब दुनिया में तो इतने सारे अच्छे अच्छे लड़के पड़े थे, बट फिर तुमने अक्षिता से ही शादी क्यों की, मतलब अगर क्या मतलब तुम लेस्बियन हो। तो वैशाली कहती कि मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और रही बात अक्षिता से शादी की, तो वो तो तुम अच्छे से जानते होगे। तो लेविश कहते मैं समझा नहीं, तो वैशाली कहती है कि तुम समझदार हो मुझे पता है। तो इतना कह के चुप हो जाती है, तो मतलब वैशाली उसको घूरने लगती है, तो लेविश कहते हैं कि क्या हो गया इतना हैंडसम लड़का पहले कभी देखा नहीं क्या। तो वैशाली कहती है देखा हैंडसम का तो पता नहीं, लेकिन तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आज तक नहीं देखा मैंने। और ऐसा क्या है कि वैशाली हंसने लगती है उसके ऊपर, तो लेविश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब कि इतनी बेइज्जती उसकी आज तक किसी ने नहीं की, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और कहते हैं इस लड़की ने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रही है ये लड़की। तो वैशाली हंस रही होती है, वो पूल के साइड होती है, तो लेविश देखता है कि मतलब वो पूल में गिरने वाली है, वो गिरने वाली होती है, बट लेविश उसका हाथ पकड़ लेता है, तो लेविश उसका हाथ पकड़ लेता है और मतलब उसे बचाता है। तो वैशाली कहती है प्लीज़ मुझे ऊपर खींचो वरना मैं गिर जाऊँगी, तो मुझे अपनी तरफ खींचो। तो यार वैशाली को डर होता है कि अगर मतलब वो पुल में गिरी ऐसे धक्का लगा तो उसके बच्चे को नुकसान होगा, और वो इसीलिए डर जाती है कि कहीं मतलब पुल में गिर ना जाऊँ। तो लेविश के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। तो लेविश कहते हैं आज तुमने मुझे मतलब मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की ना, अब तो मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूँगा। बहुत शौक है ना तुम्हें बेइज्जतियाँ करने का लोगों की, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इसे कह के वो मतलब हाथ छोड़ने वाला होता है, तभी उसको एक जोर का धक्का लगता है और वैशाली का हाथ पकड़ के खींच लेते हैं कोई, और वो हमारी प्यारी अक्षिता होती है, जो कि सही टाइम पे आती है और खूब मजे कराती है दूसरों को, जो वैशाली को परेशान करता है। तो वैशाली देखती है अक्षिता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वैशाली, क्योंकि उसकी अक्षिता कभी वैशाली को अकेले प्रॉब्लम में नहीं छोड़ती है।
तो वैशाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अक्षिता उसको ज़ोर से गले लगा लेती है क्योंकि वो पूल में गिरने वाली थी। तो अक्षिता कहती है तुम ठीक हो ना, तो वैशाली कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या। तो इन सब चीज़ों में लेविश जो कि मतलब उसे थोड़ा सा सदमा लगता है, मतलब सदमा नहीं वो शॉक हो जाता है क्योंकि अभी अभी उसे किसी ने धक्का दिया था, तो वो मतलब अभी अब खुद को संभाल ही रहा था कि उसे तभी अक्षिता की आवाज़ सुनाई देती है और वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो जब वो खड़े होकर देखता है तो उसे अक्षिता दिखाई देती है, तो वो गुस्से में भर जाता है और अक्षिता भी उसे गुस्से से घूर रही होती है क्योंकि उसने मतलब वैशाली को धक्का मतलब वैशाली को गिराने वाला होता है लेविश, तो इसीलिए अक्षिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बट वो लेविश को कुछ नहीं बोलती और वैशाली से कहती है तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो वैशाली उसको गले लगा लेती है और मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है वैशाली की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब डर गई होती है इस वजह से। तो अक्षिता कहती है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैशाली कहती है कि हाँ अब तुम साथ हो ना, मैं नहीं डर रही हूँ। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। तो वैशाली कहती है कि कहाँ चलो, तो अक्षिता कहती है घर चलो। तो वैशाली कहती है लेकिन अक्षिता मैं तो यहाँ रुकने वाली थी ना। तो अक्षिता कहती है नहीं अब नहीं रुकने वाली थी, पहले रुकने वाली थी बट अब नहीं, अब चलो चुपचाप मेरे साथ घर। तो लेकिन ऐसा कुछ बोलने वाली होती है बट फिर अक्षिता उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगती है। वैशाली तो मतलब लेविश को कुछ नहीं बोलती बट उसकी आँखों में लेविश के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, मतलब वैशाली के आँखों में वैशाली बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है लेविश को, क्योंकि लेविश मतलब बहुत बड़ी गलती करने वाला होता है। तो वो अक्षिता उसको लेके जा ही रही होती है और वैशाली भी उसको बोल रही होती है, तभी सामने से विराज आ रहा होता है। तो विराज आ रहा होता है तो जब वो अक्षिता को देखता है कि वैशाली के यहाँ हाथ पकड़ के लेके जाने वाली होती है, तो मतलब विराज उसके पास आता है और कहता है ओहो तो मिस अक्षिता मैडम पधारी है यहाँ पे। तो अक्षिता कहती है जी जी मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को लेने आई हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो विराज कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपनी वाइफ को लेने आई हो, बट तुम्हारी वाइफ होने से पहले ना वो मेरी बहन है। तो अक्षिता कहती है कि बेशक वो तुम्हारी बहन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी वो बहन ना होती ना तो मैं यहाँ पे उसे कभी ना भेजती, बट अब वो मेरे साथ जा रही है। और ऐसा कह के अक्षिता उसको लेके जाने लगती है और विराज उसको मुस्कुरा के मतलब देखते रहता है। अक्षिता और वैशाली को जाते हुए मतलब मुस्कुरा के विराज देखता रहता है। वो मुस्कुरा के इसलिए देखता रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन सिर्फ से और सिर्फ अक्षिता के साथ खुश है। तो विराज बहुत ज़्यादा खुश है अब मतलब अक्षिता से, मतलब अक्षिता उसकी बहन को इतना ज़्यादा प्यार करती है, तो इसलिए विराज अब उन दोनों के रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और मुझे पता है मतलब कि मुझे नहीं पता, विराज जो कि अब दोनों से मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो उन दोनों के रिश्ते को वो कुछ नहीं बोलेगा ना उसे अब कोई प्रॉब्लम है, जो कि पहले थी प्रॉब्लम अक्षिता से, बट उसे अक्षिता से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वजह से क्योंकि वो अपनी बहन से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी बहन जब अक्षिता के साथ खुश है और वो ये भी जान चुका है कि अक्षिता से ज़्यादा उसकी बहन को और कोई प्यार नहीं कर सकता, तो इसलिए वो खुश है अब कि अक्षिता उसके लिए सही लाइफ पार्टनर है। वो लेविश भी उन दोनों को मतलब जाते हुए देखता है, कुछ कर तो पाता नहीं है बस जाते हुए ही देख सकता है। तो अब कार का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, मतलब जहाँ वो अक्षिता के कार का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि जब से अक्षिता मतलब वैशाली के साथ कार में बैठी होती है अक्षिता ने एक शब्द नहीं बोला होता, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं उसके चेहरे पर, वो काफ़ी गुस्से में बैठी हुई होती है। अब वो गुस्से में इसलिए बैठी होती है क्योंकि वो मतलब कि डर गई होती है कि कहीं उसकी वैशाली को कुछ हो ना जाए, तो कुछ नहीं बोलती और गुस्से से बस दूसरी तरफ देखती रहती है। तो वैशाली कहती है कि तुम मुझे आज ही क्यों लेने आ गई। तो अक्षिता उसकी तरफ देखे बिना कहती है क्यों नहीं आना चाहिए था क्या, तुम्हें यहीं रुकना था क्या, तुम मतलब मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। तो वैशाली कहती है नहीं मतलब कि कम से कम बता कर तो आती ना, ऐसे अचानक से आने की क्या ज़रूरत थी। तो वैशाली मतलब अक्षिता कहती है अगर मैं बिना बताए ना आती ना तो अब तक तुम स्विमिंग पूल में ना गोते मार रही होती है। तो उसे गुस्से से मतलब अक्षिता वैशाली को देखती है, कहती है अच्छा वो लेविश ना मतलब दादाजी के दोस्त का पोता है। तो वे अक्षिता कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैशाली अक्षिता मतलब काफ़ी गुस्से से बोलती है, तो वैशाली कहती है कि अच्छा जब तुम्हें सब पता ही रहता है तो तुम इतना रूड क्यों हो रही हो, जब तुम्हें सब पता है मुझसे ऐसे रूड क्यों हो रही हो, तुम बताना ज़रा।
तो मतलब बेचारी कितने पूछने के बाद अक्षय कहती है तो मैं क्या करूं, मतलब कि जिसकी वाइफ रात को किसी लड़के के साथ मतलब किसी के भी साथ बैठ के उसे सुकून दिलाने की बातें कर रही हो, वो कैसे सुकून से मतलब बैठ सकती है, मतलब कि मतलब इतनी रात को जब किसी की बीवी किसी को सुकून दिलाने की बात कर रही हो तो मैं और क्या ही बोल सकती हूँ, ऐसा मतलब अक्षिता कार रोकते हुए ऐसा बोलती है। तो वैशाली को अक्षिता की बात सुनकर खांसी आने लगती है, मतलब कि शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है कि मतलब ये अक्षिता काफ़ी देर से हम मतलब आई हुई है, ये हमारी बातें सुन रही थी इतनी देर से। तो वो थोड़ा तिरछी नज़र से अक्षिता की तरफ देखती है और कहती है कि वो एक्चुअली मैं ना वो बोल रही थी कि, तो अक्षिता कहती है चुप हो जाओ कुछ मत बोलो, समझ आ रही है तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना बोलना था ना तुम बोल चुकी हो, अब चुपचाप बैठी रहो। और ऐसे कह के अक्षिता फिर से कार स्टार्ट करती है। तो इतना सुनने के बाद वैशाली कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी जगह पे मतलब बैठी हुई होती है। तो उसके बाद मतलब वैशाली कुछ भी नहीं बोलती है और मतलब कि वैशाली कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप मतलब गाड़ी में बैठ जाती है। तो घर पहुंचते हैं मतलब घर पहुंच जाती है अक्षिता और वैशाली, तो घर पहुंचते हैं अक्षिता कार से उतरती है और सीधा अपने स्टडी रूम में चली जाती है, हालांकि वैशाली भी उसके स्टडी रूम में घुसने की कोशिश करती है बट डोर लॉक कर देती है अक्षिता गुस्से से। तो वैशाली बेचारी मुँह लटका के मतलब मायूस होकर अपने बेडरूम में आके बैठ जाती है मुँह बनाए हुए और ऐसे ही थोड़ी देर बैठी रहती है। उसके बाद नॉक होता है दरवाज़ा, तो कहती है अंदर आ जाओ कौन है, तो मेड होती है जो कि उसके हाथ में एक ट्रे होता है तो वो लेके आई हुई होती है। तो वैशाली कहती है क्या हुआ, तो मेड कहती है कि ये मैं कुछ मतलब आपके लिए पानी और दवाइयाँ लेके आई हुई हूँ जो आप रेगुलर खाती हो। तो मतलब वो वैशाली की प्रेगनेंसी की चीज़ होती है और भी बहुत कुछ होता है मतलब कि। तो वैशाली कहती है ठीक है आप यहीं रख दो, रख के जाओ मैं बाद में खा लूँगी। तो वो मेड कहती है कि नहीं मैम एक्चुअली मैं अक्षिता मैम ने कहा है कि मैं आपको अपने सामने दवाई खिलाकर वापस आऊँ। तो वैशाली ने जब ये सुना कि वो दवाइयाँ अक्षिता ने भिजवाई है तो वो मुस्कुराने लगी, मतलब वो दवाइयाँ देखे मतलब उसके फेस पे जो अभी तक मुद्रा था उसका, उसके फेस पे एक स्माइल आ गई अच्छी वाली सी। तो फिर थोड़ी देर बाद मतलब अक्षिता अपने स्टडी रूम में बैठी हुई होती है तो उसकी डोर पे नॉक होती है, तो अक्षिता कोई रिएक्ट नहीं देती। तभी मेड कहती कि मैम मैंने उन्हें दवाई खिलाने की बहुत सारी कोशिश की, मैंने उन्हें कहा कि आपने दवाई भेजी है बट मैम ने वैशाली मैम ने उन्हें साफ खाने से इनकार कर दिया, वो साफ साफ मना कर रही है, मैंने उन्हें इतना कहा कि आप दवाई खा लें लेकिन वो दवाई नहीं खा रही हैं, तो उन्होंने दवाई नहीं खाई है और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो दवाई नहीं खाएंगी। तो मेड की इतनी बात सुनने के बाद अक्षिता गुस्से से उठती है और कहती है ये लड़की ना पागल हो गई है, और ऐसे कहते हुए गुस्से से बेडरूम की तरफ निकल जाती है। तो मतलब अक्षिता गुस्से से वह मतलब अपने बेडरूम की तरफ निकल जाती है। तो वैशाली को जैसे ही कदमों की आहट मिलती है तो वो समझ जाती है अक्षिता आ रही है, तो वो चुपचाप लेट के सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो अक्षिता उसके पास आती है और देखती है कि वैशाली मतलब सोई हुई होती है, मतलब फिर अक्षिता बेड पे बैठती है और टेबल की तरफ देखती है जहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई होती है, और वैशाली की तरफ देखती है जो सोई हुई होती है। तो अक्षिता अपना हाथ वैशाली के ऊपर मतलब रख रही होती है, तो मतलब रखने वाली होती है। तो तभी वैशाली अपनी थोड़ी सी आँख खोलती है और अक्षिता की तरफ देखती है और तुरंत झटके से बंद कर लेती है, मतलब कि उसे लगी वो सोई हुई है। तो अक्षिता गुस्से से कहती है मतलब काफ़ी ज़्यादा सख्त आवाज़ में कहती है कि मुझे पता है तुम जाग रही मतलब हो, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो, तो चुपचाप उठ जाओ आप समझी। तो अक्षिता वैशाली उठ जाती है और चिढ़ते हुए उठती है और कहती है कि मतलब कि तो मतलब तुम्हें कैसे पता मैं जाग रही हूँ। वैशाली देखती है कि अक्षिता उसको घूर रही होती है, तो वैशाली फिर कुछ बोलने वाली होती है तभी अक्षिता उसके मुंह में दवाइयाँ डाल देती है। तो वैशाली को अपने मुंह में कड़वाहट सी चीज़ें फील होती है, तो वो उससे पहले कुछ बोलती है अक्षिता उसके मुंह पे ग्लास लगा देती है पानी सा, मतलब पानी भरा ग्लास रख देती है और वो पानी पी लेती है, बट उसके मुंह सारा ख़राब हो जाता है मतलब कड़वी दवाइयों से उसका मुंह सारा ख़राब हो जाता है। तो वो गुस्से से अक्षिता की तरफ देख रही होती है, उसे मतलब उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसका अजीब सा मुंह बना होता है। तो वो क्या ही बोलती है, तो उसने दवाई खा ली होती है बट उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा होता है। तो अक्षिता की तरफ देखती है और देखती है कि अक्षिता उसे अभी भी घूर रही होती है। तो वैशाली
बोलती है कि मेरा सारा मुंह खराब कर दे, इतना कड़वा सा फील हो रहा है। तो वैशाली अक्षिता की तरफ देखती है और उसके लिप्स की तरफ देखती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, मतलब वैशाली अक्षिता को किस करने लगती है। तो वैशाली मतलब अक्षिता को नॉन स्टॉप किस करने लगती है। तो अक्षिता हैरान हो जाती है उससे अचानक से, मतलब वैशाली के किस करने से अक्षिता हैरान हो जाती है कि वैशाली को क्या हो गया, अचानक से मुझ पर क्यों टूट पड़ी। तो वो दे मतलब वो फील कर रही होती है कि वैशाली उसको किस कर रही होती है। तो अक्षिता कुछ नहीं बोलती है ना, खुद से मतलब वैशाली को दूर करती है, क्योंकि उससे मतलब अभी यही चाहिए होता है कि उससे वैशाली किस करे। तो वो आराम से किस करवा रही होती है वैशाली से, और वैशाली कहाँ रुकने वाली होती है, तो वो नॉन स्टॉप अक्षिता को किस कर रही होती है। और अक्षिता भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, अभी से ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता, हटो। तो मतलब कर रहे होते हैं ये दोनों एक दूसरे को किस। तो यार ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही मैं पोस्ट कर दूँगी और बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूँगी, डोंट वरी, मैं बस कुछ ही घंटे में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी, डोंट वरी। और मैं पोस्ट तो कर दूँगी बट मेरी वीडियोज़ पर अच्छे से व्यूज़ डालना और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बहुत 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 जल्दी पोस्ट करूँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।